मैं मिसेस ज्योति कराड़ ढांडा संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट, इनकी संकल्पना से तब उन्होंने एक ही शब्द में इसका वर्णन किया था, अद्भुत। और संगीत क्षेत्र को कृतार्थ करने के लिए, ये संगीत क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात थी। 3 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, वहाँ पे जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं उनका सच में सौभाग्य। इसका मार्गदर्शन, बड़े बड़े दिग्गजों के मार्गदर्शन पे ये संगीत कला अकेडमी गुरुकुल पद्धति से इसके बाद चलाई जाएगी, इसके अनाउंसमेंट के लिए आज का ये पहचान कराना बहुत छोटी, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, ताल योग पुष्पगुच्छ देके इनका स्वागत किया जाएगा। तो आदिनाथ मंगेशकर जी को मैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ताल योगी पंडित सुरेश एक्सप्लेनेशन दे कैसे चले। कला एकेडमी जो है उसका मैं डायरेक्टर हूँ, उसकी हैसियत से आपको सबको प्रणाम करता हूँ, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और बड़ी विनम्रता से कुछ दो शब्द कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा म्यूजिक से जुड़ा हूँ और इतने सब सारे गुरुजन बहुत ही बड़ी हस्ती है, उनके सामने कुछ बोलना थोड़ा उचित नहीं होता संगीत के क्षेत्र में। खुद दीदी यहाँ भी सब विराजमान आए तो उनके सामने भी बोलना ठीक नहीं है। दीदी की इज्जत लेके मैं थोड़ा सा कुछ जो हमने सोचा है उसके बारे में आपको कहूँगा। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी एक ऐसी हस्ती है कि जिनका नाम MIT के माध्यम से पूरे इंडिया में हो चुका है, लेकिन म्यूजिक के प्रति उनका बचपन से एक लगाव था, प्यार था। और बहुत ही बढ़िया कुछ भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए करे ऐसा उनका बचपन से ख्याल था। तो वो जो उनका ख्याल उन्होंने वास्तव में एक 5-6 साल पहले एक कागज के ऊपर लकीर खींच के उन्होंने खुद ने एक सारे गम प धनी सा, ये 7 सुर है, उसके लिए 7 डोम बनाए हैं और 7 डोम लेके एक बिल्डिंग का निर्माण उन्होंने खुद ने किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो बिल्डिंग क्या है। एक्चुअली ये बिल्डिंग में ही ये प्रोग्राम होना चाहिए था, लेकिन ये प्रोग्राम पहले एक बार हो चुका है और बाद में भी होगा और हम आप सब लोगों को वहाँ बुलाएंगे। तो ये जो विशाल बिल्डिंग है वो देख के ही पता चलता है कि इन्होंने खुद ने अपने इंटरेस्ट के लिए अपने पैसों से भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए 25 या 30 करोड़ रुपए खर्चा करके ये बिल्डिंग बनाई है। उसके लिए कोई रिटर्न्स यहाँ से आना चाहिए ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी। और वो जब संगीत कला अकेडमी शुरू हो गई उसके बाद में उनका ये भी ख्याल था कि यहाँ पे बहुत बड़े जो कलाकार है वो आना चाहिए और कुछ करना चाहिए, यहाँ पे संगीत होना चाहिए। तो राहुल जी मेरे परम मित्र हैं और हम लोग जब भी मिले तो डॉक्टर साहब ने हमको कहा कि इसके लिए आप अलग से कुछ सोचिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये आपके दिमाग में जो है वो ही हम लोग करेंगे, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा हम लोग अपनाएंगे। आज जो भी जितने भी गुरु है और जितने भी कलाकार है वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही यहाँ तक पहुँचे हैं। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत ये कॉलेज में सिखाए जाने वाला या क्लासरूम में सिखाए जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो वो तुरंत मान गए और ये मुझको ही बोला गया कि इसकी जिम्मेदारी अभी तुमको है और ये गुरु शिष्य परंपरा के तहत आप चलाने की कोशिश करो। अभी उन्होंने इतना कुछ बिल्डिंग इतनी बड़ी बनाई है, इतना सोच विचार बढ़ा है, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी इसके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। बहुत 30-32 साल हो गए मैं ये शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हूँ, बहुत सारे कलाकार हमारे मित्र हैं, नज़दीक वाले हैं,
तो मैंने तुरंत बात करनी शुरू कर दी और जो आज कलाकार सब बैठे हैं उनको सबको मैंने न्योता दिया कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, तो तुरंत उन्होंने हाँ कहा। ये तुरंत उन्होंने हाँ कहा, इसके ऊपर मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि जो सिखाने की चाहत है मेरे आगे वाली पीढ़ी कुछ होना चाहिए और मेरी कला उन तक पहुंचनी चाहिए, ये इन सब गुरु में दिख के आया। और इसके लिए हमने ऐसा सोचा कि अभी ये गुरु शिष्य परंपरा ही शुरू करते हैं। उसमें दूध में शक्कर की बात ऐसी हो गई कि खुद पंडित हृदयनाथ मंगेशकर भी बाद में इसमें शामिल हो गए और हमारा उनसे बहुत दिन से विनंती थी कि क्लासिकल बेस सुगम संगीत जो है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात हो गई थी। वो गुरु करके उन्होंने हमारा जो आमंत्रण था, निमंत्रण था, वो स्वीकार कर लिया। और आज आप देख रहे हैं इतने बड़े सब गुरुजन यहाँ पे है। अभी बात ऐसी है कि इतने सारे गुरु इकट्ठा होके हम लोग, आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी एकेडमी बनेंगे, कितने विद्यार्थी बनेंगे, कैसे होंगे, तो इसकी सोच विचार बहुत अलग है। यहाँ सिर्फ क्वालिटी काम होगा, क्वांटिटी का काम नहीं होगा। यहाँ कोई 40-50 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और गुरु सिखा रहा है काफी राग और चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। यहाँ सिर्फ चुन के 5-10-12 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 इतने स्टूडेंट हर एक गुरु के पास रहेंगे और उनका जो चुनाव रहेगा, वो सिलेक्शन रहेगा, उसकी एक अलग एक हमारी एक उसकी एक सिस्टम बनाई हुई है। तो आज ये जो दिख रहा है आपको WWMIT VF, ये आज इस साइट की दीदी ओपनिंग करने वाली है और उस साइट पे हर एक जो बच्चा रहेगा जो सीखने की जिसकी चाहत है, तो वो अपना अपना ऑडियो वीडियो MP3 वो लोड करके हमारे पास वो आएंगे, फिर ये खुद गुरु ही उसमें से चॉइस करेंगे कि कौन से चाहिए, फिर उनको वापस ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर वो ऑडिशन भी खुद गुरु ही ले लेंगे, उनको सामने बैठा के प्रश्न पूछा जाएगा और वो जो चुने हुए जो 10-12-11 उन्हीं पे ऊपर पूरी मेहनत की जाएगी। ये इस फॉर्मेट का गुरुकुल का फॉर्मेट यही रहेगा। और आगे वाली बात यह ऐसी है कि ये सब जो होगा, इतने बड़े गुरु, इतनी बड़ी जगह, इतना अच्छा माहौल, और ये सब विश्वनाथ करार जी ने मुझको कहा कि ये सब मैं इसका निःशुल्क करूँगा, इसमें कोई शुल्क नहीं, मतलब ये और एक बड़प्पन है उनका आगे जाके। अभी आगे क्या क्या होने वाला पता नहीं उनसे, लेकिन ये निःशुल्क रहेगा। सिर्फ बच्चा आएगा, अपने घर में भी भोजन का उसको पैसे लगता है, यहाँ भी निवास और भोजन का केवल मात्र पैसा जो भी हो जाएगा वो चार्ज किया जाएगा, बाकी सब जो है गुरु और वो इतनी बड़ी फैसिलिटी और वो जो माहौल, ये सब निःशुल्क रहेगा। और ये सब जो बातें हैं ये इन्होंने क्यों की बाद में उन्होंने मुझको बताया, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय पूरे भारत में ऐसे कई इलाके हैं कि जहाँ तक ये म्यूजिक पहुँचा नहीं है या वहाँ बहुत ढेर सारा टैलेंट पड़ा हुआ है, गांव खेड़े में, कस्बे में, हिली एरिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो बहुत कमाल का गाते हैं, बजाते हैं, तो वो सब जो बच्चे हैं उनको ये शिक्षा मिलनी चाहिए। और वो अगर आते हैं तो अफोर्डेबल नहीं रहते कि यहाँ वहाँ से समझो कोई हिमाचल से है या अरुणाचल से, वहाँ से आके हरिप्रसाद चौरसिया जी के यहाँ पे वो सीखे, ये उनकी ताकत ही नहीं रहती। तो उनके लिए ये इन्होंने सोचा है कि वो होना चाहिए, वो बच्चा अगर वहाँ का टैलेंटेड है तो वो हृदयनाथ जी से सीखना चाहता है तो वो जरूर आना चाहिए और सीखना चाहिए और उसको पैसे का टेंशन नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और ये इंडिया के लिए ये गर्व की बात है और सिर्फ डॉक्टर कराड जी के माध्यम से ये हुआ है। इतना बड़ा दिल लेके चल रहा, बीच के लिए मैंने ज्यादा टाइम लेके आपको ये बताया, बाकी तो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आपको बाद में भी बताएंगे, मेरे बाद में पंडित सुरेश दलवल कराए किस तरीके से हम सिखाने वाले वो प्रिंसिपल गुरु है आपने, वो भी आपको बताएंगे। आपको मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ, आप सब लोग आए और मेरी आप मीडिया से सब हाथ जोड़ के आपको मैं विनती करना चाहता हूँ कि जिस
प्रकार से जिस उद्देश्य से होने जा रहा है वो उद्देश्य सफल करने में आपका बहुत बड़ा मुझको हमको सबको सहकार्य होने वाला है, क्योंकि ये सब आपके जरिए ही असम में न्यूज जाएगी, आपके जरिए कर्नाटक में न्यूज जाएगी। वो जिस तरीके से हमने ये किया है उस तरीके से आप भी सपोर्ट करिए, और दीदी का इस सब चीज़ों के ऊपर आशीर्वाद है। ये सब बातें आदिनाथ जी हमारे सेक्रेटरी है, उन्होंने हर वक्त दीदी को बताई, और दीदी को दीदी बहुत खुश है इसके लिए, तो दीदी यहाँ नीचे अभी आके विराजमान है, उनके आशीर्वाद से ही ये सब चल रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो हमारे साथ है। तो आप सबसे निवेदन है कि हम सबको आशीर्वाद भी दीजिए, हमारे साथ भी रहिए, और जो भी है हम करने जा रहे हैं उसके आप सब लोगों की शुभेच्छा चाहिए। धन्यवाद। पंडित जी नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दीदी के बाजू में बैठा हूँ और सर के बाजू में भी बैठा हूँ, तो मैं कुछ कहने लायक तो हूँ नहीं, लेकिन यही कहूँगा कि ये जो प्रथा जो सोची गई है, ये कहीं किसी ने सोचा नहीं था, न सोच सकते हैं, और बहुत अच्छा। मैं तो गया था एक बार गुरुकुल में जाके और देखा, जो वातावरण देखा और जो वहाँ लोगों का सिस्टमेटिक व्यवहार देखा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी आके यहाँ रहना चाहिए। बहुत सुंदर जगह है, बहुत मन से बनाया उन्होंने, और मैं हमारे हृदयनाथ जी के साथ में वहाँ था और उन्होंने बहुत आनंद दिया, मेरा इंटरव्यू भी लिया, फिर मुझे बोला बजाइए भी, तो बहुत ही आनंद आया मुझे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कोई यहाँ मास्टर या बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मेरा छोटा सा घर है, वहाँ कुछ शिष्य से बैठते तो हम दोस्तों की तरह बैठते हैं, हम गुरु शिष्य करके नहीं बैठते, तो आपस में कभी चलता रहता है हमारा, गाने बजाने से और लिखने पढ़ने से, गाने के लिए क्या लिखना चाहिए, गाने के लिए क्या बोलना चाहिए, सारी बातें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। जो मैं खाता हूँ बच्चे भी खाते हैं, तो वहाँ जो सिस्टम होगा वो तो बहुत ही सभी को ही बहुत पसंद होगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा सोचा, आपके परिवार को, राहुल बाबू को भी कहता हूँ कि आपका साथ दे रहे हैं, और बस क्या कहूँ। ऐसा लगा कि बस यहाँ से अब जाओ नहीं, इतना अच्छा क्राउड, इतने अच्छे सुनने वाले, इतना अच्छा वातावरण, और मैं वहाँ था और मुझे रख दिया इन्होंने राज कपूर साहब, स्वर्गीय राज कपूर साहब के कमरे में, तो मैं रात भर उन्हीं को ही देखता रहा, उनके गाने के बारे में सोचता रहा, और क्या क्या बात है, वाह, और खाने पीने में बहुत आनंद आया सर, बहुत अच्छा लगा। और आज दीदी के बाद में बैठा हूँ, मावल चार दिन तरह से बैठता हूँ, लेकिन इतना क्रोध था, अवसर नहीं मिला था, बहुत खुश बैठा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर एन राजन। परमादरणीय लता दीदी जी, करार साहब और मंच पर विराजमान सभी मेरे कलाकार भाई बहन, जिस प्रकार डॉक्टर विश्वनाथ खरात जी ने यह संस्था गुरुकुल पद्धति में बनाई है, उस तरह हर एक यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं एक इधर एक उधर, ऐसा नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी में होना अत्यंत आवश्यक है। मैं क्यों जरूरी है मैं बता देती हूँ। हाँ, आजकल कई यूनिवर्सिटीज में म्यूजिक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। पिछले 60-70 वर्षों से म्यूजिक सभी जगह है, सबसे पहले मेरे ख्याल से बड़ौदा में म्यूजिक यूनिवर्सिटी शुरू हुई, फिर बनारस आया, फिर भातखंडे आया, उसके बाद बनारस आया, आजकल सब जगह है म्यूजिक कॉलेज है। पर गुरुकुल की जो पद्धति है वो संभव नहीं है यूनिवर्सिटी इस समय यूनिवर्सिटीज का जो ढांचा है उसमें संभव नहीं। वो क्यों? फॉर इंस्टेंस हमारे सब्जेक्ट में यानी संगीत में कम से कम 6 साल तक एक ही राग सिखाया जाता है, एक से दूसरे का नाम तक लेने नहीं देते हैं गुरुजी। पर एक बार जब एक राग के ऊपर पूरा अधिकार हो जाता है 6 साल में, उसके बाद रागों की संख्या बढ़ाना जो है
आसान है। उसके बाद एक महीने के अंदर दूसरा राग, फिर दूसरे महीने में तीसरा, इस तरह एनी नंबर ऑफ रागास वन कैन लर्न। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी इज नॉट द मेन थिंग, यहाँ क्वालिटी है। और इस तरह का ट्रेनिंग जो है सब जगह होना चाहिए ताकि हमारा संगीत का जो भविष्य है बिल्कुल पहले जैसे और उज्जवल हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे मेरे भाई हरी जी ने कहा, हम लोग वहाँ गए थे, इतना सुंदर परिसर है और जो बच्चे वहाँ आएंगे उनका भी सौभाग्य रहेगा कि खूब अच्छी तरह रह के वहाँ सीख सकते हैं। ये संस्था जो है आगे जाके उत्तरोत्तर बढ़ेगी, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है। धन्यवाद। गुरु हाउ टू टीच ही त्याला माहिती असावं, आणि तिसरी सर्वात महत्त्वाची म्हणजे विलिंग टू टीच। ह्या तिन्ही क्वालिटीज गुरुमध्ये असाव्यात, आणि जे इथे बसलेले आहेत त्या गुरूंची निवड। ट्वेल्थ ऑफ मे 2017 पॉसिबली विल बी वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक डेज इन द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसॉफी, और जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का सुंदर दर्शन यानी हमारी दीदी भारत रत्न लता मंगेशकर, आप सभी लोग जानते हैं मुझसे ज़्यादा, मैं तो अधिकारी नहीं हूँ यहाँ बैठने के लिए। मैंने वो वास्तु बनाई और उसमें कोई अलग सा स्वरूप, सप्त स्वर सप्त रंग सप्त ऋषि की संकल्पना, नाद ब्रह्म की अनुभूति और जो भी बना, मुझे याद आती है पंडित जी आपकी रुदना जी मंगेशकर जब आए राजबाग में, और चौरसिया साहब हरिप्रसाद जी थे, पता नहीं क्यों लेकिन कोई संदेश था। हमारे पद्मश्री शंकर बापू सिंधे अपेगावकर जी बहुत बड़े बखावज वादक, उनके साथ चर्चा हुई, हमारे करवे गुरु जी थे और पंडित जी ने कुछ कहा, आदिनाथ के बारे में कोई चर्चा भी हुई, पता नहीं कैसे, लेकिन दिस होल कॉन्सेप्ट, इवन दो आई एम नॉट पर्सनली अ ग्रेट पर्सन फ्रॉम म्यूजिक, बट मुझे ऐसे लगा कि भारतीय संस्कृति का रियल दर्शन देना हो दुनिया के सामने, ये एक क्षेत्र है संगीत, और जिसे भारतीय संगीत कहा जाता है, शास्त्रीय संगीत के और क्या पता नहीं। और कैसे हुआ मालूम नहीं, दीदी याद है मुझे अभी कि जब पहली बार इस संगीत कला एकेडमी का उद्घाटन लोकार्पण सोहरा था और दीदी आई थी पंडित जी के साथ, आदिनाथ था, तो दीदी ने देखने के बाद इतना ही कहा था, मुझे याद आती है, किराट साहब ये तो केवल अद्भुत है, और मैंने तो दुनिया देखी है, दुनिया के संगीत कला एकेडमी देखी है, इंस्टीट्यूशन देखी है, यूनिवर्सिटी देखी है, लेकिन पता नहीं यहाँ आके एक अलग सी अनुभूति होती है। वही बात पंडित जी चौरसिया साहब, जब पहली बार हमारा सौभाग्य था कि चौरसिया साहब उसी जगह पे आए थे, जब कार्यक्रम पूरा हुआ और रात को जो यज्ञ कुंड है त्याग और समर्पण का प्रतीक, वहाँ आने के बाद पंडित जी ने कहा था, पहली बार मिले थे तो बोले कि किराट साहब मैंने स्वर्ग नरक तो देखा नहीं, मैं जाति पाति मानता नहीं, मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि यदि किसी को स्वर्ग की अनुभूति करनी हो, यदि विश्वास है तो यहाँ आके देखे, ये बात थी चौरसिया साहब। पता नहीं पहली बार मिले थे, देखे भी नहीं थे, मालूम भी नहीं था मैं कौन हूँ, मैं तो टीचर हूँ, तो ऐसी सारी बातों की मुझे आज याद आती है कि ये सौभाग्यशाली दिन हमारी ज्योति हो, हमारा मोहित हो, ये पंडित हृदयनाथ जी के आशीर्वाद से जो बना है, और जिसके लिए भारत रत्न ने विश्वगान सम्राट ने कहा था हमने आलंदी में, ऋषि वेद व्यास से लेकर संत ज्ञानेश्वर तक सारा पूरा प्रयास, पूरा तत्वज्ञान, पूरी संस्कृति का दर्शन जिनके जीवन में बैठा है, मैं स्तुति नहीं कर रहा, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स दैट स्वामी विवेकानंद हैड प्रेडिक्टेड इन 1897 एंड ही हैड सेट द टाइम 21st century will be the century of Mother India.
माय मदर इंडिया, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि छोटा योगदान है संगीत के माध्यम से, जितनी भी ऊंची सोच है, विचार है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, फिलॉसफी है भारतीय संस्कृति का, जिसे शायद अनफॉर्चुनेटली अंधश्रद्धा कहा गया, ब्लाइंड फेथ कहा गया, रिलीजियस कहा गया, लेकिन मुझे लगता है कि इनका ये जो धर्म है जो दीदी ने दुनिया को सिखाया, एक नाम लेते ही दुनिया देखती है कि ये कौन है, कहाँ से कैसा पैदा हुई, क्या देन है ईश्वर की, ईश्वरीय लीला है, ऐसी बातें। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जब देखता हूँ मैं दीदी को, तो भारतीय संस्कृति का असली दर्शन इसके जीवन में होता है। और वही आज इस प्रोग्राम के लिए आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद है, हमारी उषा दीदी सामने बैठी है, पंडित जी यहाँ बैठे हैं, उनका बेटा आदिनाथ काम करता है इसमें, तो ये सारी बातें संयोग है, दिस इज अ डेस्टिनी, ऐसा मेरा मानना है। आई एम एन इंजीनियर, आई डू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्टिकल फिजिक्स, आईटी, कंप्यूटर, व्हाट एवर यू कॉल इट, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स दैट टाइम हैज कम एंड पॉसिबली दिस संगीत अकेडमी, जिसे गुरुकुल के नाम से शुरू से चालू है, यही रीति दिल से है, हम तो वैष्णव लोग हैं, मानते हैं सारी बातों को इंजीनियर होते हुए भी, तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आज जिस दिन दीदी के हाथ से उद्घाटन हुआ, वो जो शब्द है मेरे ध्यान में है अभी तक, जिस भाव से कहा तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, दीदी आपने दुनिया देखी है, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी संगीत अकेडमी है, सेंटर्स है, यूनिवर्सिटीज है, आप अध्यक्ष बनिए ना। और यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, नेवर इन हर लाइफ शी हैड एक्सेप्टेड एनी ऑफर ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूशन, बट फॉर द फर्स्ट टाइम शी गिवन द ब्लेसिंग बाय एक्सेप्टिंग द चेयरमैनशिप। ये विश्व शांति संगीत कला अकेडमी की चेयरमैनशिप एक्सेप्ट की जस्ट आशीर्वाद है, एक शब्द की बात है, जीवन की एक संकल्पना, और वो दुनिया के लिए, समाज के हित के लिए, भारत के हित के लिए समर्पित करने वाली त्याग और समर्पण की भावना को इस संगीत के माध्यम से देने का पहला प्रयास हुआ। मैं दो शब्दों का जिक्र करूंगा और मुझे आशा लगती है कि यह संगीत अकेडमी विल सर्टली एड टू द ग्रेस एंड ब्यूटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिया। क्यों? ये आशीर्वाद है दीदी का। ये सारे पंडित चौरसिया साहब, कलवलकर साहब, ये बाकी सारे लोग जो बैठे हैं ना, ये दिल की बात है, ये हृदय चे ते हृदय घातल या समझ, ये प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड प्योरिटी इन एक्शन, ये सबसे बड़ी बात है। संगीत की तलवलकर जी ने कहा कि गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा बने, ये सारी बातें इतनी सुंदर है कि ये भारतीय संस्कृति का शुभ लक्षण है। और मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा, हम तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल चलता है, लेकिन दिस इज व्हाट इज एसेंशियल। और स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था वो सही मायने में दुनिया के सामने अभी प्रेजेंट होने वाला है, उसमें संगीत अकेडमी, ये जो गुरुकुल रहेगा, इट विल सर्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स ओन शेयर एंड सर्टली विल शो द पाथवे टू द जनरेशन ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया ऑफ मदर इंडिया बट पॉसिबली द होल वर्ल्ड। बाकी संगीत के बारे में, पाश्चात्य संगीत, पौर्वात्य संगीत की बात नहीं करूंगा, मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आई हैव अ होप एंड एक्सपेक्टेशन दैट यस, दिस सेंटर विथ इट्स कमिटमेंट, अ डिसेंसी, डेकोरम एंड डिग्निटी विल प्रेजेंट एग्जैक्टली व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर, व्हाट मदर इंडिया स्टैंड्स फॉर। ऐसी मेरी प्रार्थना, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ दीदी, आपको आशीर्वाद देना है बस, आपके शब्द, आपका जीवन, इसमें संत ज्ञानेश्वर का पुरस्कार दिया था आपको, मुझे याद है पत्रकारों ने पूछा था, उसी दिन पेरिस का एक पुरस्कार मिला था उसी दिन, और आपने मुझे कहा था कि मुझे राजनीति के माध्यम से पुरस्कार नहीं चाहिए, डॉक्टर रघुनाथ मशालकर एंड डॉक्टर विजय भटकर, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, दे वेर प्रेजेंट एंड आई स्टिल रिमेंबर द प्रेस पीपल, दीज ग्रेट मैन, दे हैड आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, दीदी आपको क्या लगता है विशेष, आप तो भारत रत्न है, इतने 200, 250, 300 पुरस्कार दुनिया से मिले हैं, और संत ज्ञानेश्वर के नाम पे ये छोटा सा पुरस्कार, विश्वकान सम्राज्ञी संत ज्ञानेश्वर के नाम पे पुरस्कार, तो याद है मुझे, बोलना ठीक क्या नहीं पता नहीं, आपके आंखों में आंसू थे, आपने कहा था